फिल्म की स्टार्टिंग में जापान में एक दिखाया जाता है, उसने एक लड़की को निशाने में लिए हुए पुलिस से बचकर भाग रहा था। अचानक से उसे हार्ट अटैक हो जाता है और वो मर जाता है, और जो क्रिमिनल जेल में रहते थे वो भी हार्ट अटैक की वजह से मारे गए। ये सब एक लड़का कर रहा था जिसका नाम था लाइट। लाइट को एक ऐसी बुक मिली थी जिसमें नाम लिखकर वो इंसान मारा जाएगा, फिर वो उन लोगों के नाम लिखता था जिन्हें वो मारना चाहता है। लाइट इस बुक में क्रिमिनल का नाम लिखता जा रहा था ताकि वो बुराई को ख़त्म कर सके। अचानक इतनी सारी मौतों की वजह से पूरी दुनिया में खबर फैल गई थी और लोग इसे भगवान का वरदान समझ रहे थे। लाइट ने बुरे लोगों को मारने के बाद अपना नया नाम रख लिया था जो था कीरा, और लोग कीरा को अपना हीरो समझने लग गए थे। फिर लाइट को अपने घर में एक न्यूज़ दिखाई देती है जिसमें एक क्रिमिनल ने एक फैमिली को बंदी बना दिया था। फिर जैसे ही लाइट उसका नाम लिखता है वैसे ही वो मर जाता है। कीरा एक लॉ स्टूडेंट था, उसकी एक दोस्त मिसा थी। फिर लाइट लीसा को बताता है कि एक दिन मैं एक बार में गया था, उस बार में बहुत से क्रिमिनल मौजूद थे। फिर लाइट उनकी बातें सुनता है और वो बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा क्राइम किया था। फिर वो क्रिमिनल लाइट को चिढ़ाते हैं लेकिन लाइट कुछ नहीं कर पाता, फिर वो वहाँ से बाहर आ जाता है। फिर उसके पास एक लॉ की बुक थी, फिर वो उसे गुस्से में आकर फेंक देता है क्योंकि उसे लगता है ये बुक किसी काम की नहीं। तभी वहीं सड़क पर उसे डेथ नोट बुक मिलती है। उस बुक को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि इस बुक पर बारिश नहीं गिर रही थी, बाकी सब जगह गिर रही थी। फिर उस बुक को उठाकर अपने घर ला देता है। लाइट अपनी दोस्त को उस बुक के बारे में नहीं बताता है। लाइट ने जब उस बुक को खोला था तो उसने उसके नियम पढ़ लिए थे कि इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, जिसका नाम भी इसमें लिखा जाएगा वो मर जाएगा। फिर लाइट उस बुक को चेक करने के लिए उसमें एक क्रिमिनल का नाम लिख देता है। फिर जब वो सोके उठता है सुबह, तो फिर वो अखबार में देखता है कि वो क्रिमिनल मर चुका है जिसका नाम उसने डेथ नोट पर लिखा था, और वो देखकर हैरान हो जाता है। इसके बाद लाइट उस क्रिमिनल के पास जाता है जिसने लाइट को चिढ़ाया था। फिर लाइट उस क्रिमिनल का नाम, उसके मरने का तरीका भी उस बुक में लिख देता है। फिर लाइट उस क्रिमिनल की मौत की वजह लिखता है हार्ट अटैक। तभी वो क्रिमिनल उसके सामने दम तोड़ देता है क्योंकि उसे हार्ट अटैक आ गया था, और वो मर जाता है। ये देखकर लाइट बहुत हैरान हो जाता है। इसके बाद उसे उस बुक पर विश्वास हो गया था कि ये सही में काम करती है। उसके बाद लाइट मौत के फरिश्ते से मिलता है। फिर लाइट उसको देखकर बहुत डर जाता है और उसे पता लग जाता है कि जिसके पास भी ये बुक होगी उसे वही दिखेगा। इसके बाद कुछ पुलिस ऑफिसर्स को दिखाया जाता है जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि मौतें क्यों हो रही है। उन्हें पता चलता है जो भी ये लोग मर रहे हैं ये सारे क्रिमिनल हैं। वो कहते हैं कि कीरा ही ये सब कर रहा है और उसे हमें जल्द से जल्द पकड़ना है। उनमें लाइट के फादर भी वहाँ मौजूद थे जो एक जासूस थे। वो कहते हैं कि ऐसा वो क्यों कर रहा है, हमें पता लगाना पड़ेगा। फिर इसके बाद वो अपने सीनियर से मिलते हैं। वो अपने सीनियर से कहते हैं ये केस बहुत पेचीदा है, इसलिए इस केस के लिए हमें एक इंटेलिजेंट ऑफिसर की ज़रूरत है। फिर वो इंटेलिजेंट ऑफिसर जिसका नाम एल होता है, एल उनकी मदद उनके साथ रहकर नहीं करेगा बल्कि ऑनलाइन करेगा। उनको उसका असली नाम भी नहीं पता था। फिर वो देखते हैं कि एल ने उसके बारे में बहुत जानकारी हासिल की थी। फिर एल उन्हें दिखाता है कि इस साल बहुत सारे लोगों की मौत हुई, ज़्यादातर लोग हार्ट अटैक की वजह से मारे गए। वो मौत का फरिश्ता और लाइट दोनों साथ में रहते थे। फिर लाइट उससे कहता है कि मैं सारे क्रिमिनल्स को ख़त्म करूंगा और सारी दुनिया को बचा लूंगा, फिर कभी भी दुनिया में क्राइम नहीं होगा। फिर तभी टीवी पर एल सामने आ जाता है सभी के, और वो कहता है कि कीरा कोई हीरो नहीं है बल्कि एक क्रिमिनल है, और हम जल्द से जल्द कीरा को पकड़ लेंगे। ये सब देखकर लाइट बहुत डर जाता है। इसके बाद वो उस डेथ नोट में एल का नाम लिख देता है। फिर तभी जो टीवी पे एल था उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो मर जाता है। लोग ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर लाइट ये सब देखकर बहुत खुश होता है। तभी लाइट को पता चलता है कि वो असली एल नहीं है, और उसे टीवी पर एल की आवाज़ सुनाई देती है लेकिन उसका चेहरा नहीं, और एल कहता है मैं हूँ एल। फिर वो कहता है कि कीरा तुम उसी आदमी को मार सकते हो जिसका नाम तुम्हें पता है। फिर ये देखकर लाइट बहुत गुस्से में आ जाता है और लाइट बहुत डर जाता है। अब लाइट एल को मारना चाह रहा था लेकिन उसको उसका नाम भी नहीं पता था, ना ही उसका चेहरा, और लाइट को अब डर लगने लगा था क्योंकि वो अब पकड़ा जाने वाला है। मौत का फरिश्ता भी लाइट की मदद नहीं कर सकता था क्योंकि वो सिर्फ नज़र आता है, किसी का साथ नहीं देता। इसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उन मौतों का एक डाटा निकाल देता है। फिर उन्हें पता चलता है ये मौतें स्कूल और कॉलेज की छुट्टी होने के बाद होती है। इसका मतलब ये था कि कीरा एक कॉलेज स्टूडेंट है। इसके बाद वहाँ मौजूद सभी ऑफिसर्स का शक लाइट पर जाता है क्योंकि उसके पिता डिटेक्टिव ऑफिसर थे और वो कीरा के केस पर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। इसके बाद लाइट स्कूल टाइम पे भी लोगों को मारने लगा। फिर उनका शक सही निकलता है और उन्हें ये भरोसा हो जाता है कि ये एक स्टूडेंट है। इसके बाद लाइट को महसूस होता है कि पुलिस
उस पर नज़र रख रही है, पर पुलिस ने उसके पीछे कुछ डिटेक्टिव को लगाया हुआ है। फिर मौत का फरिश्ता लाइट को बताता है कि मुझे सब पता रहता है कि इंसान का नाम क्या है और उसके कितने दिन बाकी रह गए। फिर लाइट मौत के फरिश्ते से कहता है कि तुम मुझे एल का नाम बताओ। इसके बदले मौत का फरिश्ता लाइट की आधी ज़िंदगी मांग देता है। फिर लाइट इससे मना कर देता है। इसके बाद लाइट को एक प्लान आता है कि उस डिटेक्टिव से अपना पीछा कैसे छुड़ाए। फिर अगली सुबह लीसा और लाइट एक बस में जा रहे थे, तभी उनका पीछा एक डिटेक्टिव कर रहा था। फिर लाइट उस जासूस से पूछता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? फिर वो एजेंट कुछ नहीं बोलता। तभी उस बस में एक क्रिमिनल आ जाता है और वो बस के ड्राइवर पर एक बंदूक रख देता है। तभी लाइट एक पेपर पर लिखता है कि अगर वो तुम्हें पकड़ता है तो उसकी गन छीन लेना। तभी वो कागज लाइट के हाथों से नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ मौजूद क्रिमिनल उस पेपर को अपने हाथ में लेता है। तभी उस क्रिमिनल को मौत का फरिश्ता दिखाई देता है। फिर वो क्रिमिनल मौत के फरिश्ते पर गोली चलाता है, लेकिन उस मौत के फरिश्ते पर कुछ नहीं होता। इसके बाद वो क्रिमिनल बस रोक कर वहाँ से भाग जाता है। तभी एक कार उसे टक्कर मार देती है और वो मर जाता है। ये सब लाइट के प्लान के हिसाब से हुआ था। फिर लाइट उस एजेंट से कहता है कि तुम अब से मेरा पीछा मत करना। इसके बाद वो FBI एजेंट अपनी पत्नी के साथ होता है। लाइट ने उस FBI एजेंट से अपना पीछा छुड़ाने के लिए एक चाल चली थी। क्योंकि लाइट एल को मार नहीं सकता था, इसलिए वो उन लोगों को मारता है जिनको एल ने हायर किया था। फिर लाइट अपनी किलिंग की शुरुआत उस FBI एजेंट से करता है। फिर लाइट उस FBI एजेंट से सभी एजेंट के नाम पूछ लेता है। तभी उस FBI एजेंट की मौत हो जाती है हार्ट अटैक के कारण। इस मौत का कारण लाइट ही था। इसके बाद सभी FBI एजेंट एक एक करके मारे जाने लगे। इसके बाद FBI डिपार्टमेंट अलर्ट हो जाता है। वहाँ मौजूद सभी ऑफिसर डर जाते हैं। फिर कई ऑफिसर इस केस को छोड़ देते हैं। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एल को कहते हैं कि हम तुमसे मिलना चाहते हैं, यहाँ केस सीरियस हो चुका है। फिर सभी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एल से मिलने जाते हैं, जो कि दिखने में एक लड़का था। फिर FBI एजेंट के मारे जाने के बाद उसकी पत्नी मीसा से मिलती है। फिर मीसा उस एजेंट की वाइफ को लाइट से मिलवाती है। फिर उस एजेंट की वाइफ लाइट को पहली बार देखने के बाद उसके बारे में सब कुछ जान लेती है। फिर वो लाइट को कहती है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुमको मेरा असली नाम नहीं पता। फिर इसके बाद वो औरत चली जाती है। फिर लाइट काफ़ी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि मेरा राज अब खुलने वाला है। इसके बाद एल लाइट के कमरे के अंदर CCTV कैमरा लगा देता है। जब लाइट को ये बात पता चलती है कि उसके कमरे में कैमरे लगे हुए हैं, तो वो कोई भी ऐसी हरकत नहीं करता जिससे वो पकड़ा जा सके। फिर एक दिन एक क्रिमिनल के बारे में न्यूज़ में बताया जा रहा था, और पुलिस ऑफिसर लाइट पर नज़र रखे हुए थे कि अब वो ज़रूर कुछ करेगा, लेकिन वो क्रिमिनल मर जाता है और लाइट ने वो न्यूज़ भी नहीं देखी थी। इसके बाद एल के अलावा सभी ऑफिसर्स का शक लाइट से हट जाता है। तभी पता चलता है कि लाइट सबकी नज़र से छुप कर ये काम कर रहा था। इसके बाद लाइट के कमरे से सारे कैमराज को हटा दिया जाता है। वहीं मारे गए एजेंट की वाइफ उस केस की छानबीन अभी तक कर रही थी। फिर वो एल को फोन में लाती है और उससे कहती है कि मैं अपनी जान को खतरे में डालकर ये साबित कर दूंगी कि लाइट ही कीड़ा है। फिर वो लाइट को एक जगह पर बुलाती है मिलने के लिए, जहां उसने मीसा को बंदूक के जरिए उसे पकड़ा हुआ था। फिर लाइट वहां आता है। फिर वो औरत लाइट से पूछती है, क्या तुम कीड़ा हो? फिर लाइट इस चीज़ से इनकार कर देता है। तभी लीसा उसका हाथ छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। तभी उस एजेंट की वाइफ लाइट को शूट करती है और वो गोली जाकर मीसा को लग जाती है, और मीसा वहीं पर मर जाती है। और वहाँ मौजूद एजेंट की वाइफ भी अपने को गोली मार देती है। तभी पुलिस वहाँ आ जाती है। इसके बाद लाइट मौत के फरिश्ते को बताता है कि जो कुछ भी यहाँ हुआ मेरे प्लान के हिसाब से था, क्योंकि जिसके पास भी वो बुक है वो किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकता है, और जो कुछ भी वहाँ हुआ था और मैंने पहले ही वो सब कुछ लिख दिया था। इस चीज़ के लिए लाइट ने अपनी दोस्त को मरवा दिया। इसके बाद लाइट जाकर अपने पिता से मिलता है और वो कहता है कि मैं कीरा को पकड़ने के लिए आपका साथ दूंगा। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पता था कि वो कभी भी पकड़ा जा सकता है, इसलिए वो ऐसा कर कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा। फिर वहीं वो पहली बार एल से मिलता है और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोज़ देखते रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।